भगत जी, एक महीने पहले मेरी किताब मांग के गए थे, कमबख्त ने अभी तक नहीं लौटाया। मैं जाकर अपनी किताब ले आऊं। रमन अपनी किताब मांगने आ रहा है? मैंने चीजें लेकर लौटाना नहीं सीखा, उसे बातों में लगा के टरका दूंगा। भगत जी, मैं अपनी किताब लेने आया हूँ। रमन देखो मेरा कुत्ता कितना होशियार है। चंपू जाओ अखबार लाओ। शाबाश। चंपू जाओ मेरे जूते लाओ। बहुत अच्छे। गरम गरम चाय पीजिए। चंपू जाओ दूसरे कमरे से चाय रखने के लिए स्टूल लाओ। मेरी किताब वह स्टूल पर रखी है। कोई आया है? मैं गुल्लक बैंक का ऑफिसर हूँ। क्या क्या रमन आपका ही नाम है? हाँ जनाब। तुम्हारे दादा ने 70 साल पहले बैंक में 5 रुपए जमा किए थे, ब्याज लगते हुए अब वह 1001 रुपए हो गए हैं। उनके मरने के बाद तुम उनके वारिस हो, आकर धन ले लो। साहब आप बाहर क्यों खड़े हैं? आइए बैठिए, कुछ ठंडा पीजिए, टैक्सी में बैठिए, बैंक चला जाए। संभालिए अपना चेक। मगर ये तो 2.86 रुपए का है। तुम्हारे दादा के 349 दूसरे वारिस भी हैं। अजी जरा बाहर आना, देखो हमारा दाया पड़ोसी अपने मकान पर सफेदी कर रहा है और छींटे हमारे मकान पर बिखेर रहा है। कमली मुझे एक आइडिया आया है, अभी देखना। मैं जरा बाएं पड़ोसी मोगासी से बात करके आता हूँ। मोगासी मौसम अच्छा है, क्यों नहीं तुम अपने मकान पर सफेदी कर लेते? रमन मशवरा अच्छा है। देखो मुफ्त में हमारे मकान पर सफेदी हो गयी। खलीफा दिवाली महीने के आखिरी हफ्ते में पड़ी है, इसलिए घर में न मिठाई आई न पटाखे। रमन मोगासी को मैंने मिठाई के कई डिब्बे घर ले जाते हुए देखा। बस काम बन गया, मैं अंदर जाता हूँ, तुम खिड़की के नीचे खड़े हो जाओ। मोगासी दिवाली मुबारक। मिठो दोस्त, मैं टेलीफोन सुन के आता हूँ। यही मौका है, मिठाई के इतने डिब्बों में से अगर एक खिसका लिया जाए तो क्या पता चलेगा। लो संभालो। वाह देसी घी की मिठाई। आज क्रिकेट का विश्व कप फाइनल है, टीवी पर उसे देखना चाहिए। सत्यानाश, जब भी कोई अच्छा प्रोग्राम होता है टीवी खराब हो जाता है। चलकर मोगासी के घर पर टीवी देखता हूँ। अच्छा हुआ मोगासी तुम मिल गए, टीवी पर मैच देखना है, तुम्हारे घर ही जा रहा था। तुम्हारी भरजाई पटिंडे से आ रही है, मैं उसे लेने स्टेशन पर जा रहा हूँ। ये लो चाबी और घर पर बैठकर आराम से टीवी देखो। बहुत बहुत धन्यवाद। है कमाल हो गया, ताला तो खुलता ही नहीं है। क्रिकेट मैच तो मैं छो नहीं सकता, ताला ही तोड़ देता हूँ। क्यों बे, घर का ताला तोड़ता है? ओवर की गली गेंद, बल्लेबाज की ओर और शुक्र है सरकार ने जेल में टीवी लगा दिया है। मोगासी तुम टैक्सी साफ कर रहे हो? मेरी है। रमन मैंने नौकरी छोड़कर अपना धंधा शुरू कर दिया है, इसमें बड़ा फायदा है। आओ दोस्त तुम्हें दफ्तर छोड़ दूं। मोगासी तुम्हारी टैक्सी हिरण की तरह शांत और तेज दौड़ती है। आगे मेरी एक सवारी खड़ी है, उसे मवेशियों के अस्पताल पहुंचाना है। तुम जाकर पीछे टिक्की में बैठ जाओ, इस सीट पर यह कुत्ता टोनी बैठेगा। मैं क्यों? क्योंकि कुत्ता किराया देगा। टोनी जाओ, रमन कहाँ गया? मैं तो पहले चौराहे पर ही गिर गया था। डॉश तुम्हें यह क्या सोच? क्या मैं चुनाव नहीं लड़ सकता? मैं भारतीय नागरिक हूँ, 25 साल से ऊपर हूँ और पागल भी नहीं हूँ। हमारा मतलब है तुम्हें कौन वोट देगा? नहीं मुझे वोट नहीं, नोट चाहिए। जो पार्टी मुझे पैसे देगी मैं उसके हक में बैठ जाऊंगा। हमारी पार्टी का उम्मीदवार चाहता है कि तुम उसके वोट न काटो और उसके हक में बैठ जाओ। मुट्ठी गर्म कर दो, औदा हो जाएगा। मुट्ठी ही नहीं, मैं तुम्हें सारे को गर्म किए देता हूँ। कमली मैं चिट्ठी लेटर बॉक्स में डालने जा रहा हूँ। यह तो गप्पू की आवाज है,
गप्पू सिसकिया क्यों भर रहे हो? मेरा सिर में दर्द है। तो सिर दर्द की दवाई क्यों नहीं लेते? डॉक्टर ने यह गोली दी है लेकिन यह कड़वी है, खाई नहीं जाती। देखो पहले थोड़ी मिठाई जैसे पेड़ा खा लो, फिर गोली खाओ, आखिर में फिर पेड़ा खा लो, इस तरह से मुंह कड़वा नहीं होगा। वाह, मैं चिट्ठी डालकर आता हूँ, उम्मीद है तब तक तुम दवाई खा चुके होगे। देखो गप्पू ने दवाई खाई है या नहीं। अरे दवाई की एक गोली खाने के लिए इतने सारे पेड़े? यह पहले खाने के हैं, गोली खाने के बाद वह पेड़े हैं। रमन मेरे नए बूट कैसे लगते हैं? खलीफा यह कितने के खरीदे हैं? 250 रुपए के। बूट हाउस में सेल लगी है, वहाँ एक जोड़ी 50 रुपए में मिल रही है। इतनी सस्ती एतबार नहीं होता। मैं अपने लिए जूते लेने जा रहा हूँ, देखोगे तो यकीन हो जाएगा। शुक्र है मैं आखिरी जोड़ी खरीदने में कामयाब हुआ। खलीफा मैं ले आया। पहन कर दिखाओ। रमन आधा घंटा हो गया, तुम नए बूट नहीं पहन सके? क्या वो छोटे हैं? उससे भी बदतर, मैं दोनों पैर जूते ले आया। आहा, सर्दियों की यह सुनहरी और मखमली धूप, आज मैं सारा दिन खिड़की में बैठकर धूप का आनंद लूंगा। मैं तुम्हें दोपहर का भोजन यहीं दे जाऊंगी, धूप में कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। सत्यानाश, गीली साड़ी ने खिड़की की धूप रोक दी। तुम मकान की छत पर चले जाओ, वहाँ ढेर सारी धूप होगी। कामली तुम्हारा सुझाव ठीक है, मैं छत पर जाता हूँ, वहाँ मुझे कोई परेशान भी नहीं करेगा। ओ छत पर धुआ। रमन तुम लंगड़ा के क्यों चल रहे हो? खलीफा दाएं पांव का जूता काटता है, क्यों नहीं तुम उसे उतार देते? तुम ठीक कहते हो। ओ, क्या हुआ? गप्पू जूता एक पांव में होने के कारण दोनों पैर समतल नहीं रहे और मैं संतुलन खो बैठा। दूसरे पांव से भी जूता उतार दो। ठीक है। क्यों मंदिर से जूते चुरा कर भाग रहे हो? हवलदार साहब यह मेरे हैं, क्या कोई ऐसा देखा है जिसके पास जूता हो और वह नंगे पांव चले? क्या बात है, हमारी पब्लिक मीटिंग में एक भी श्रोता नहीं, जबकि हमारे विरोधी डोलूराम की सभा में काफी भीड़ है। खलीफा थोड़ी देर की बात है, मैंने टीवी स्टार सीरियल कुमार को बुलवाया है, उसके आते ही भीड़ ऐसे टूट पड़ेगी जैसे गुड़ पर मक्खियाँ। दो मिस्टर सीरियल कुमार आ गए। वाह टीवी स्टार। भाइयों और बहनों अब आपके प्रिय सीरियल कुमार भाषण देंगे। अरे सारी जनता विरोधी उम्मीदवार के स्टेज की तरफ भागी जा रही है। आखिर ऐसी क्या बात है कि हमारा टीवी स्टार भी लोगों को जाने से रोक नहीं सका? विरोधी उम्मीदवार की स्टेज पर फिल्म स्टार आ गई है। दफ्तर जाने का टाइम हो गया है। ओह कमीज का बटन टूटकर गिर गया। कमली जल्दी से मेरी कमीज का बटन टाक देना। बटन मुझे दो, कमबख्त सुई कहाँ चली गई? कुछ देर पहले ही उससे शांतु की पैंट सी थी, कहीं सुई शांतु की पैंट के साथ ही तो नहीं लगी रह गई? पर वह स्कूल चला गया है, अभी वह बस स्टॉप पर ही होगा, जाकर देखती हूँ। शांतु शुक्र है तुम मिल गए। मम्मी तुम्हारी पैंट के साथ ये सुई लगी रह गई। क्या तुम कोई दूसरी कमीज पहनकर दफ्तर नहीं जा सकते? क्या ओ? क्या सुई नहीं मिली? वह मिल गई, लेकिन बटन रास्ते में कहीं गिर गया। रमन 5:10 बाकी हैं। तुमने सारी फाइलें समेट दी? मोगा सिंह जब भी मैं छुट्टी करके घर जाने लगता हूँ, पुसट बॉस कोई काम ले आता है और मुझे 2-2.5 घंटे बैठना पड़ता है, इसलिए आज मैं पहले उठ गया हूँ ताकि बॉस मुझे न पकड़ सके। अच्छा चलता हूँ। कम्बक लिफ्ट को आज ही खराब होना था। शुक्र है मैं नीचे पहुँच गया, बस एक कदम और मैं गेट से बाहर। रमन रुकना। सर आप? मैं शाह कंपनी गया था, वह प्रोजेक्ट का एस्टीमेट आज ही चाहते हैं, तुम इसे बना दो। 5:00 मैं छुट्टी करके घर जा रहा हूँ, बाय। मेरे जूते ये रखे तो हैं, ये मेरे जूते नहीं हैं। मैं जब पूजा करने अंदर गया था
तो किसी के जूते से मेरे बदल गए। एक सज्जन जूते पहनकर उधर गए हैं, वह ज्यादा दूर नहीं गया होगा। ओह, मैं किसके जूते पहन आया? मुझे वापस मंदिर जाकर ये लौटाने चाहिए और अपने जूते पहनने चाहिए। अच्छा हुआ आप दोनों रास्ते में मिल गए, आपके जूते बदल गए थे। लो संभालो जूते, तुम अपने संभालो। ओ अब क्या हुआ, हम दोनों के ब्रीफकेस बदल गए। खलीफा मोगासी, स्वतंत्रता दिवस पर हमें कोई अच्छा काम करना चाहिए। जिस तरह इंसान आजाद है उसी तरह पशु पक्षियों को भी आजादी देनी चाहिए। ठीक है, हम जगह जगह जाएंगे और जो पशु पक्षी पिंजरे में बंद है उन्हें छुटकारा दिलाएंगे। आला अपनी ड्रेस तोते को भी खुलेआम घूमने दो। आगे बढ़ो हिरण, जाओ जंगल में चौकड़ी भरो, आगे चलो। अरे रे रे, इस पिंजरे को न खोलना, आज कोई जानवर बंदी नहीं रहेगा। रेजर का ब्लेड पुराना हो गया है, अब यह दाढ़ी नहीं बना सकेगा। कमली, मैं बाजार से शेव के लिए नया ब्लेड लेने जा रहा हूँ, मुझे एक ब्लेड चाहिए। ये लीजिए, इसे जेब में डाल लो, घर जाकर इसे शेव बनाऊंगा। पकड़ो, वह मेरी जेब काट कर भाग रहा है। पकड़ो जेब कतरा, वह मुझसे बचकर नहीं जा सकता। पकड़ो, रुको मगर इंस्पेक्टर साहब, जेब कतरा वह भाग रहा है। अभी पता चल जाएगा कि जेब कतरा कौन है, जेब की तलाशी दो। तुम्हारी जेब में ब्लेड, इसे जेब कतरे ही जेब काटने के लिए रखते हैं। चलो मेरे साथ। कमली, चाय में मक्खी है। मैं क्या करूं, घर में बहुत हो गई हैं। इनको भगाने का एक तरीका मुझको आता है। वह क्या? गुड़ का ढेला, इससे मैंने खिड़की से मोगा सिंह के घर फेंक दिया। सारी मक्खियाँ उसके पीछे पीछे वहीं चली जाएंगी। बिका कौर, मक्खियों का झुंड कहाँ से आया? रमन के घर से गुड़ का ढेला आया है, इसके साथ ही आए हैं। मैं उसे मजा चखाता हूँ। मुरब्बे का बर्तन, पोंछने वाली चिंदी देना, मैंने उसे खिड़की से रमन के घर फेंक दिया। आई चींटी ने काट लिया, इस मुरब्बे की चिंदी ने मोहल्ले भर की चींटियों को यहाँ इकट्ठा कर लिया। रमन, क्यों नहीं तुम आज 2 घंटे का ओवर टाइम कर लेते, 100 रुपए मिलेंगे। सर, सारे दिन की थकावट के बाद घर पहुँचने पर बीवी के हाथ के बने चाय के प्याले में जो आनंद है वो 1 लाख रुपए में भी नहीं, इसलिए मैं चला। कमली देखो, उधर दफ्तर की छुट्टी, इधर मैं घर पर गर्मा गर्म चाय पिलाओ। चाय नहीं बन सकती, सारा दूध फट गया है। मेहरी काम छोड़कर चली गई है, हमारा टेलीफोन कट गया है, मकान मालिक घर खाली करने का नोटिस दे गया है, दोनों बच्चे क्लास टेस्ट में फेल हो गए हैं। क्या सोच रहे हो? दफ्तर में ओवर टाइम लगा लेता तो अच्छा होता। हेलो चुनाव अधिकारी, मैंने इस क्षेत्र से चुनाव लड़ा है, मतदान का परिणाम बताइए। वोटों की गिनती जारी है, परिणाम बाद में घोषित होगा। पी लो, पानी पी लो। सुबह से 50 गिलास तो पी चुका हूँ। हेलो, चुनाव परिणाम क्या है? गिनती जारी है, परिणाम बाद में पूछिए। 1 घंटे बाद परिणाम क्या निकला? गिनती जारी है। पता नहीं मेरा क्या होगा। डॉट, सब्र से काम लो। हेलो, परिणाम अगली बार आपको जरूर बता देंगे। अगली बार? अरे, मैं जो चाहता था वही हुआ, मैं हार गया। वोटरों से जो वायदे किए थे अब मुझे वे पूरे नहीं करने पड़ेंगे। रमन, यह चिट्ठियां डिस्पैच कर दो और स्टेनो मिस टूटू को मेरे पास भेजो। मिस्टर टू, बॉस ने बुलाया है। मैंने देखा रमन ने वैसा ही स्वेटर पहना है जैसा मैंने पहना है। मेरा कर्मचारी मेरे जैसी चीज पहने या मेरी तौहीन है। सर, आप वह स्वेटर खरीद लीजिए, इससे कर्मचारी को बुरा नहीं लगेगा और आपको बेइज्जती महसूस नहीं होगी। रमन, मुझे ऐसा एक और स्वेटर चाहिए, क्यों नहीं तुम अपना मुझे बेच देते। ठीक है सर, 200 रुपए दीजिए, स्वेटर आपका हो गया, अब मुझे बेइज्जती महसूस नहीं होगी। दूसरे दिन, भीखू रमन को बुलाओ, उसी डिजाइन का एक और। जिस हॉजरी में यह स्वेटर बनते हैं वहाँ मेरा साला काम करता है। ओ रमन, क्या हुआ? खलीफा, मेरी कमर में दर्द है, जल्दी से डॉक्टर के पास जाओ।
डॉक्टर साहब, कमर टूटी जा रही है। ये कैसे हुआ? रात को स्टेज पर रामलीला करते वक्त मुझे चोट आई। एक दृश्य में कुंभकर्ण को बाण लगा और वह गिर पड़ा। गिरा कुंभकर्ण? और चोट तुम्हें आई? वह मुझ पर गिरा था।